बहुत खुश लग रही है। प्रपोज किया क्या उसने? फ्यूचर में विश्वास दिलाया है उसने, इसलिए तुमने अपनी सारी ज्वेलरी उसे दे दी। हाँ यार। अरे यार, तेरे गले में नेकलेस नहीं है, हाथों में चूड़ियाँ नहीं है, कान में बाली नहीं है, कहाँ गए? तेरा वॉलेट कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? बेटा ये सब क्या है, किसी को गिफ्ट करने के लिए खरीदे हैं क्या? नहीं, कहीं से चुरा कर लाया है, बताना। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, बस ये सोच रहा हूँ कि जेब में कहाँ से आया। कहाँ से आया ये नहीं बेटा, ये सोच कि किसके पास से आया है। हाँ, सुबह एक लड़की ने आई लव यू बोला था, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी है। छी, गलत काम करता है और शर्म भी नहीं है। जिस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया उसी का मान उड़ा दिया। चुराने से पहले देख लिया कर, ये तेरे काम आएगा क्या? अगर उस लड़की को पता चल गया तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी, जरा सोच ना। ये क्या है बे? इसका क्या करेगा तू? तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इसके पहले कि उस लड़की को पता चले कि तू चोर है, ये सब जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस पहुँचा दे। जरूरत नहीं है, पता चल गया है मुझे। हाँ बेटी। तुम कैसे इंसान हो, इंसान हो भी या नहीं? सिंसियरली 1 month से कब तुम आई लव यू कहोगे मैं वेट कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया और मेरा ही सामान चोरी कर लिया। मेरा सामान चोरी करने के लिए तुम्हारा मन कैसे मान गया? सॉरी वेनिला, ये मेरा डिसऑर्डर है। मार खाओगे तुम, फालतू बातें किया तो। तुम्हारे जैसे लोग सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। अभी क्या अभी पुलिस को फोन करके नहीं पकड़वाया तो मेरा नाम वेनिला नहीं। इसने जो बोला वो करेक्ट है, इसको ये बीमारी है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं अपनी माँ का भी सामान चुरा लेता है। इसकी वजह से कितने शहरों में ट्रांसफर हुआ, कितने प्रॉब्लम फेस किए हैं, वो मैं ही जानता हूँ। दया करके बेचारी इसकी माँ को देखकर इसे माफ कर दो बेटी। आज के बाद ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसे माफ कर दो बेटा। वेनिला, I am sorry। छी, अपना मुंह बंद करो, फिर से किया तो मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हारे जैसे इंसान से कोई भी लड़की प्यार कर ही नहीं सकती। अरे प्यार क्या, दोस्ती भी नहीं कर सकती। तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुम्हें माफ कर रही हूँ। दोबारा किसी लड़की के साथ दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर, एक पेशेंट आया है, उसको 102 बुखार है, उसे क्या बोलूं डॉक्टर? बोलो, जाकर फ्रिज में बैठे। Don't disturb. Okay, doctor. Good morning, doctor. Good morning, my patient. कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? 15 सालों से तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं हम। अगर इतने साल तक कहीं और की पैदल यात्रा की होती ना तो अब तक CM बन गया होता मैं। लगता है आज एक क्लास लेगा। इसका ट्रीटमेंट और कितने दिनों तक चलेगा? उसी काम पे लगा हूँ सर। पोटेशियम उबल रहा है, मैग्नीशियम तप रहा है, ये कैल्शियम ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अरे क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये कोई फिल्म है क्या? अरे भिंडी बाजार के सारे शरबत उबाल रहा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। आप बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे। अवार्ड पाने से पहले ये सारे ताने जरूरी है सर। एक चांस सर, एक मारूंगा, जोर से मारूंगा। क्या मारोगे पता नहीं, लेकिन मैं किसी से ना मरूं ये आप देखो। थैंक यू ड्यूड। एक मिनट, तब तक तुम ये दवाई खाओ। इसलिए? मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं। हे भगवान। बाहर निकाल, जल्दी बाहर निकाल। ओनर कहाँ है? ओनर कहाँ है? ओनर, अभी बताता हूँ तुझे। क्या हुआ? कौन है ये आदमी जो सारा सामान अंदर डाले जा रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखकर इसे पकड़ा है। आप ही ओनर हैं? मैं प्रवीण हूँ। फिर ओनर कहाँ है? यही ओनर है। What? आपने जो सुना वही सही है, यही ओनर है। अरे तो फिर ये इस तरह इधर उधर देखकर सामान क्यों डाल रहा था? ये एक बीमारी है। ओह, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? ये डिटेल जरूरी है, मेरी दुकान है, मैं चुराऊं ना चुराऊं तुम्हें क्या करना है? देखो बेटा, तुम्हारा दिमाग कुछ डिफरेंट टाइप का लगता है। तुम अपनी ही शॉप में चोरी क्यों कर रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर, ये यहाँ से सामान चुरा कर अपने घर ले जाता है और इसके पापा यहाँ लाकर वापस रख देते हैं। ओ, इसका मतलब ये शॉप में कोई सामान खरीदता नहीं? आपको इससे क्या करना है, आप जाइए। और यार, इनका जो भी लिया है इनको दे दो। अरे मेरा क्या लिया है भाई? आपका फोन। ओ, ये इसने कब चुराया? इसको भी नहीं पता, आप जाइए। Thank you.
ट्रॉली लेकर घंटे भर से शॉप में इधर उधर घूम रही हैं। बिल पे करने के लिए काउंटर पर क्यों नहीं जा रही हैं? वो क्या है ना, काउंटर पे जाऊंगी तो इनकाउंटर कर देंगे ना। क्या मतलब? मतलब बिल भर दूंगी तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा ना। तो अंदर रहकर क्या करोगी? बताऊंगी। किसको? आपको। ये क्या, लोग सुपरमार्केट में सामान खरीदने आते हैं और तुम तकलीफ खरीदने आई हो? आई लव यू राजू, मैं तुम्हारी कॉलोनी के पास ही रहती हूँ। मैंने अपने पापा को भी बताया, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम हाँ बोल दो तो शादी कर लेते हैं। अरे यार, इसको समझा। समझ गया। देखो बहन, हाथों में गोल्ड की चूड़ियाँ, गोल्ड रिंग, चांदी के झुमके, सोने के चेन, इसके साथ चैन से जीना अच्छा नहीं लगता क्या? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? एक बीमारी के साथ। किसी लड़की के साथ प्यार करने की ताकत नहीं है। ये इधर थे। आधा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसे ही हूँ, मैं सब कुछ आधा आधा बोलता हूँ। तू इधर से नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगा। बाय। जा 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 जा। ए, ए, रुक। क्या बात है यार, ऐसे शॉप छोड़कर आ गया। लड़कियों से डर लगता है क्या? प्यार से डर लगता है। ऐसा मत बोल, कहीं ना कहीं भगवान ने तेरे लिए लड़की बनाई होगी। अरे यार, कोई लड़की मुझसे आई लव यू बोलती है तो मैं उसके दिल का हाल नहीं सुनता और ना ही अपने दिल की कोई बात कह पाता हूँ। बस उसके कंगन, बाली और नेकलेस देखता हूँ। मुझे समझ में आ गया, वेनिला ने बिल्कुल सच कहा है, मुझसे प्यार करने के लिए कोई लड़की आएगी ही नहीं, ना कोई है ना होगी। आजा बेटा, तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? कहीं से कुछ चुरा कर खा लिया होगा और क्या। सुनिए जी, मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए, वो कोई प्रोफेशनल चोर थोड़ी है, ये तो बीमारी है उसकी। जरा हटो तो। क्यों रे, इतना सन्नाटा क्यों? फिर से हमारे घर कोई हमला करने वाली है क्या? तूफान आने से पहले समुद्र की तरह शांत क्यों बैठा है, बोल ना। मेरी जबान से कुछ निकल ही नहीं रहा। सुनो, तुम इस गैम्बलर की जरा जेब चेक करो। बस भी कीजिए, क्या हुआ बेटा? अरे तू ऐसे बदला बदला सा क्यों है? मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया है माँ। आज मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। अरे मैं अपने आप को कैसे संभालूं? अरे अब मैं अपने आप को मार लूं क्या? ये कैसे हो सकता है जो आज हुआ है? हे भाग्यवान, जरा टीवी पर न्यूज लगाओ, स्टार एनटीआर भी कह दें तो मुझे यकीन नहीं होने वाला है। आप पागल हो गए क्या? अरे तेरा बेटा बिना चोरी किए घर वापस आ गया तो मैं पागल ही हो जाऊंगा ना। क्या हो गया बेटा, बिना चोरी किए तो घर कैसे आ गया? क्या माँ है। एक लड़की को देखा माँ, उस लड़की का चेहरा देखने के बाद मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा, चोरी करने का भी मन नहीं कर रहा माँ। मिरेकल, इट इज मिरेकल, ओ माय गॉड। हाँ माँ, उस लड़की को देखने के बाद सच में चोरी करने का मन नहीं किया। तेरी दवा वो लड़की है जिस पे तेरा दिल आया है, उस लड़की को देखने के बाद तूने चोरी नहीं की, मतलब वो लड़की तेरी जिंदगी में आ गई तो बीमारी आउट। तो जल्दी मुझे उससे मिला। पापा उधर देखो। बेटा ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। हा? तेरी पसंद तो कमाल की है। थैंक यू मां। लगता है वो लड़की किसी टेंशन में है। इधर ही आ रही है। भाई साहब, इस घड़े का रेट क्या है? 420। मैं अपने बेटे का नाम नहीं, इस घड़े का रेट पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या है? कल मैं यहाँ अपना बैग तो नहीं भूल गई थी? मालूम नहीं है। यहाँ भूल गई थी या किसी ने चुरा लिया? नहीं अंकल, शायद मैं यहीं पर भूल गई थी। चोर पर भी तुम्हें कितना प्यार है बेटी, ये बैग तो नहीं। क्या करें, ये मेरा बैग है। हाँ तुम्हारा ही है, लेकिन लेकर तो ये आया था ना। मेरा बैग रेड कलर का है। एक मिनट, कल एक लड़की यहाँ पर अपना बैग भूल गई थी। यही है? आप उसके बॉयफ्रेंड हो? बताया नहीं आप। ये लो, यही है। हाँ ये वही है। थैंक यू सो मच। ए, सच बताना, ये बैग तूने ही चुराया था ना? जो काम पहले करना था वो अब कर रहा है तू, आखिर कब सुधरेगा तू? राजू, खतरों से खेलना इसका शौक है बेटी, मेरा बेटा है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
बताइए प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, अभी मेरी उम्र 60 साल है। मैं और 40 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। सिगरेट पीने की आदत है क्या? सिगरेट को तो छोड़ो, अगरबत्ती में केमिकल मिला होता है इसलिए मैं उसे भी नहीं जलाता हूँ। आप शराब पीते हो क्या? पानी पीने के अलावा मैं कुछ नहीं पीता डॉक्टर साहब। तो 100 साल जीकर क्या उखाड़ लोगे तुम? खड़े हो जाओ, चलो भागो। तुम जैसों की वजह से आबादी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। गेट लॉस्ट। जाता हूँ। मेरी बीमारी की वजह से मेरा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए। कूल कूल, नोबेल प्राइज वाले से बात कर रहे हो? तुम्हारी बीमारी का हल निकालकर नोबेल प्राइज जीतने का टाइम आ गया है। तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए मैंने बहुत सारे प्रयोग किए और ये फॉर्मूला निकाला है। ये है वो फॉर्मूला, बस इसमें कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, वो जब पूरा कर लूंगा तो समझो तुम ठीक। ओके सर, जरा दीजिए। अरे सुनो, मैं देता हूं ना। दीजिए ना सर, दीजिए। रुको, दीजिए आकर देखो। अरे ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? आपके टूथपेस्ट में नमक है। हाँ, जाकर मुंह धो लीजिए। अब सुनिए, पामोलिन तेल का पैकेट है क्या? नहीं है। नहीं है? लाइजोल है क्या? नहीं है। तेरे पास अकल है? तेरे पास है? अगर तू इसी तरह 4 दिन काउंटर पर बैठा रहा ना, तो एक न एक दिन तेरे बाप को किसी दरगाह पर चादर बिछा कर बैठना पड़ेगा। नया स्टॉक आया है, चलकर देखते हैं। चलो, मरने के लिए बाद में सोचना। फिर से पर्स मारा, नया ट्विस्ट है, लगता है एक और नई बीमारी लग गई है। अरे तनु जी, आप? मैंने सब कुछ देखा। देख लिया, फ्रेंड है, प्रॉब्लम में है, खुददार है, इसलिए मांग नहीं रहा। इसलिए मदद करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका था। आप बहुत ही अच्छे हैं। जो भी है, दूसरों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपनों की मदद तो कर ही सकता हूँ। इनफैक्ट सबको करनी चाहिए। ओह, इसे ऐसा भी लग रहा है। ये मेरा फ्रेंड है। हाय। ये इधर थे। आप इधर कैसे? शॉपिंग करने आई हूँ। यकीन नहीं हो रहा, इतना सारा डिस्काउंट। मैं अपनी कॉलोनी के सभी लोगों को इसी शॉप में भेजूंगी। बेचारा, इस लड़की से मुलाकात होने के बाद अब हमारे मालिक का क्या होगा? कन्वी जी, आपका नंबर देंगी? श्योर। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो? लड़की ने नंबर दे दिया। सच में? लड़की ने नंबर दिया, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। अब तुम्हें बस एक ही काम करना है, जल्दी से उसके साथ टाका भिड़ा ले, फोन कर उसे। तो स्पीकर ऑन कर, तुझसे गलती होगी तो हम हेल्प करेंगे। हाँ, सही कहा। उसका फोन तो तेरी जेब में है, निकल। अरे दे, फोन नंबर लेता हूँ बोलकर फोन ही चुरा लिया तूने। सुधरेगा नहीं तू, अब जिंदगी भर वो तेरी शक्ल नहीं देखेगी। लगा था तू बदल जाएगा, लेकिन तेरा कुछ नहीं हो सकता। पुराने नोट बदल कर नए हो गए, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। क्या करेगा तू? फोन दीजिए पापा। हेलो, मेरा नाम तन्वी है, एक्चुअली मेरा फोन खो गया है। तन्वी जी, मैं राजू बोल रहा हूँ, याद आया? सुपरमार्केट राजू, फोन नंबर। अरे राजू जी, आप? Thank God, I'm so lucky. इस वक्त आप हैं का? चिकन करी, मटन कीमा, पालक पनीर, एक लड़की के लिए इतना कुछ बनाया। अगर उसने नहीं खाया तो ये सब पड़ोसियों को बांटोगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किससे पूछकर ये सब कुछ बनाया है तुमने? हमारी शादी की सालगिरह है। अरे पिछले महीने तो हमारी शादी की सालगिरह थी। ये बात उस लड़की को पता नहीं है ना? हाँ? क्या जी, अपने बेटे के लिए आधे घंटे का नाटक नहीं कर सकते?
25 साल से एक चोर को मेंटेन कर रहा हूँ मैं, तो आधे घंटे के लिए ये नाटक भी कर सकता हूँ मैं। हाय राजू। हाय। हाँ? लड़की आ गई। प्लीज कम। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। यहाँ बस आप लोग हैं और कोई नहीं आया? मैं बताता हूँ, 25 साल पहले आपने जो गलती की थी उसकी सजा आज भी आपको मिल रही है। हमको? हाँ आपको ही। मेरे मम्मी पापा ने प्यार करके शादी की, इनके घर वालों ने शादी को नहीं माना, जो शादी समाज के बीच में करनी चाहिए थी वो आर्य समाज में करनी पड़ी, और भागकर शादी करने वालों का कोई नहीं होता, इसलिए कोई नहीं आया। कोई बात नहीं अंकल, इसलिए मैं लव मैरिज नहीं करूंगी, ये डिसाइड किया है। सुन रे, भूकंप के बाद भी कोई घर इतनी जल्दी नहीं गिरता जितनी जल्दी तेरा प्यार। प्यार करना क्या गलत है, भागना गलत है, घर वालों को राजी कर शादी करने में कोई एतराज नहीं है। या ठीक है पहले खाना खाते हैं। ये आपको दूं? बस उसको दो। नहीं नहीं, और दो ना, दो 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 दो। खाना बहुत टेस्टी है आंटी। बहुत अच्छा लगा। सॉरी जस्ट 2 मिनट्स। हेलो। बोलो। व्हाट? आओ बेटी आओ बैठो। अंकल आप किसी चोर को जानते हैं क्या? लोग पूछते हैं किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं, किसी पुलिस वाले को जानते हैं, तुम चोर के बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरी प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है अंकल। क्या प्रॉब्लम? मेरी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तो किसी भी तरह उसका फोन चुराना है। फोन चुराना है? मुझे लगा कि किसी बैंक में डकैती डालने की बात कर रही हो, वो तो मेरा बेटा चुरा लेगा। पापा! अरे मैं भला कैसे चोरी करूंगा, मुझे चोरी के नाम से नफरत है, आपको पता है ना? पता है बेटा, तुम इस लड़की के लिए इतनी हेल्प नहीं कर सकते हो क्या? अंकल ये काम ये कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस? 25 साल का है बेटा। जो दिल चुराता है वो मोबाइल नहीं चुरा सकता क्या? तुम टेंशन मत लो, ये चुरा लेगा बेटी। हाँ बेटा, कल ही वो फोन उसके पास से चुरा करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। ओके अंकल, थैंक यू, मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है। आप मुझे चोरी करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तू जो करता है वही करना है। वो तो मैं अनजाने में करता हूँ, लेकिन जब पता है कि चोरी करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं प्यार के लिए छोटी मोटी चोरी क्या खून भी कर सकता हूँ। आपके पास बहुत इमोशंस है पापा, पता है ना। अब जा करके बेटा तुझे तेरा असली काम मिला है, मेरी बात सुन और तुरंत काम।